Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है. आज हम फिर से डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं सच्चाई जानने के लिए कि डेरा सच्चा सौदा में आज लोगों का विश्वास कैसा है बाबा राम रहीम जी पर, और जो मीडिया ने दिखाया, न्यूज चैनल ने आपको दिखाया, उनमें क्या सच्चाई है. ये सीधी बात हम लोगों से करते हैं कि आज लोग क्यों यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं. कब? अल्पना नागपाल. आप डेरा सच्चा सौदा में कब से आ रहे हो? मेरा बर्थ 82 में हुआ था. 92 में मैंने नाम लिया था 10 साल में, और आज मैं 36 ईयर्स की हूँ. तो मुझे ऑलमोस्ट 26 साल हो गए हैं डेरा से जुड़े हुए. मेरे पेरेंट्स अपने बचपन से ही जुड़े हुए हैं, तो हमने और कुछ हमें पता ही नहीं डेरे के अलावा कि और किसी चीज़ से भी जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते. तो हम डेरे से अपने बचपन से ही जुड़े हुए हैं, जिस पे हमने आँख खोली है. आपको क्या लगता है किस तरह के लोग आते हैं डेरा सच्चा सौदा में? डेरा सच्चा सौदा में हर तरह का इंसान आता है, चाहे वो एक बाहर की सिटी, विदेश से हो, देश से हो, गांव से हो, कहीं से भी हो, छोटे जिले से हो, कस्बे से हो, हर तरफ से. मैं खुद बैंगलोर से हूँ और दिल्ली भी रही हूँ. मैं 20 इयर्स दिल्ली रही हूँ, मैं रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हो गई हूँ. मैं बैंगलोर भी जाती हूँ तो वहाँ भी नाम चर्चा वगैरह होती है, और जितने भी वहाँ भी लोग आते हैं, दे आर ऑल इंजीनियर्स, वेल एजुकेटेड पीपल. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ ग्रेजुएट. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि डेरे में सिर्फ गाँव के लोग आते हैं. कुछ आप खुद देखोगे कभी भी तो हर तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे. मैंने भी कपड़े, आप देखो जिस हिसाब से पहने हुए हैं, कपड़ा भी एक इंसान का बोलता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस जगह से रहता है. तो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको यहाँ. अब कितने लोग आते होंगे यहाँ पर? अगर आप चारों तरफ आँख घुमा के देखोगे तो लोग दिखेंगे. वो अलग बात है कि पहले जो हमारे सिर ही दिखते थे, लेकिन लोग यहाँ पर आज भी आपको जहाँ भी नज़र घुमाओगे आपको लोग दिखेंगे ही दिखेंगे. आपको विश्वास है गुरु जी पर? पूरा विश्वास है, तभी आज यहाँ खड़े हैं. बिल्कुल विश्वास है. विश्वास तो डगमगा सकता ही नहीं हमारा, जब हमने बचपन से कुछ और देखा ही नहीं, सुना ही नहीं. तो आज तो कोई भी ऊपर से नीचे, भगवान भी आकर बोल देगा हमें कि गलत हो रहा है, तो हम कहेंगे जाओ आप ऊपर ही जाके बैठो, हमारा गुरु हमारे साथ में है, तो कुछ गलत नहीं है. तो हम लोगों का विश्वास कभी भी नहीं डगमगा सकता. काफ़ी लोगों ने डेरा सच्चा सौदा को जो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया गया, जहाँ लोगों ने एक अलग माइंड में एक छवि बनी हुई है डेरा के लिए, गुरु जी के लिए, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? यही कि ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं. पढ़े लिखे भी गवार हैं और गवार भी पढ़े लिखे हैं. डिपेंड करता है वो अपनी सोच कैसी बनाते हैं किसी के प्रति. आज की डेट में सिर्फ लोग पैसे के पीछे भागते हैं तो उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं. हम एज अ यूथ, आई एम टॉकिंग लाइक वी आर ऑल्सो यूथ, तो यूथ जनरेशन जो नशे की तरफ, ड्रग्स की तरफ, आज की डेट में आप देख लो पब बार्स कितने चलते हैं, दिल्ली चले जाओ, कहीं मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ, लोग मतलब गिरे पड़े हैं. हम सड़कों से रिक्शा पे जा रहे होते हैं, कई लोग नालों में पड़े होते हैं, अच्छी पैंट शर्ट पहनी होती है. तो वो इसीलिए, क्योंकि वो नशा जो है लोगों के दिमाग में कि ये आज के डेट का ट्रेंड है, मॉडर्न है कि हम नशा करेंगे तो हाँ हम ड्रिंक पियेंगे पब में बैठ के तो हमारा एक स्टेटस बन जाएगा, एक लाइफस्टाइल है. लेकिन नहीं, हम शुक्र करते हैं कि हम यहाँ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम उस नाले और नरक की तरफ नहीं गए हुए हैं. नहीं तो आपको भी पता है कि ये चीज़ें शरीर में क्या नुकसान देती है. पढ़े लिखे लोगों को सबको पता होने के बावजूद आप देखो वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं. तो हम ये इस मालिक का शुक्र गुजार करते हैं कि उसने हमें अपने साथ जोड़ा, जिसकी वजह से हम उस दुनिया से बहुत अलग हैं. तभी हमारा वो विश्वास सब चीज़ों को लेकर, हमने अपने बच्चों को जो परवरिश दी, आज की डेट में हमारे बच्चे हमें उल्टे जवाब नहीं देते. उनके अंदर इमोशंस हैं हमारे लिए कि ये हमारे माँ बाप हैं, अभी से जो हमारी आज की जनरेशन है. तो अगर मैं दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के जनरेशन को देखती हूँ, बच्चे इतने बदतमीज़ जवाब देना, तो वो शायद हमें गर्व होता है कि हम इस चीज़ से जुड़े हैं, वही हम अपने बच्चों को आगे संस्कार दे रहे हैं. तो हमें फ़क्र और गर्व है कि हम यहाँ से जुड़े हैं और ज़िंदगी भर जुड़े रहेंगे. आप यहाँ से जुड़े हो, नशा बंद क्या बाबा जी ने करवाया है? बिल्कुल, आप खुद आके देखिए यहाँ पर, मतलब कितनी संगत ने वो नशा वशा सब छोड़ दिया. दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम तो चाहेंगे और भी दुनिया आके जुड़े ताकि वो गंदगी बंद ही हो जाए. और डेफिनेटली यहाँ जितने भी लोग हैं उनके अपने एक वचन है हमारे गुरु जी के कि नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना. तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है कि वो उस तरफ की तरफ घुस भी जाए या छू भी ले या सोच भी ले उस बारे में. और क्या क्या है समाज के लिए गुरु जी ने? समाज के लिए बहुत कुछ है. वो बेटियों को पढ़ाना या बेटियों को बचाना, जो हमारे समाज में एक टाइम पे बहुत होता था. मुझे ऐसा लगता है, मेरी खुद की दो डॉटर्स हैं, मेरी दो बेटियां हैं, और मेरे को बहुत
प्राउड फील होता है कि सेकंड टाइम पे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे क्लियरली मना कर दिया कि हमने बच्चा चेक नहीं करवाना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, हमें अगर बच्चा चाहिए तो हमें लिंग नहीं देखना है, हमें बस ये मतलब रखना है कि वो बच्चा साफ़ सुथरा और सुरक्षित हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप आज अब खुद देखो तो थोड़ा सा फ़र्क आया है, तो मैं तो ये कहूँगी ये हमारे डेरे की वजह से ही जो फ़र्क आया है कि लड़कियाँ होना ना होना बहुत कम हो गई हैं ये चीज़ें। अगर आप सुनोगे तो थोड़ा फ़र्क आया है इन चीज़ों में, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। थोड़ा गरीबों के लिए एक परमार्थ वाली चीज़ें कि ये सब कराना, तो वो एज अ यूथ हम लोगों में आता है कि हम 100 रुपये 200 रुपये बाहर खर्च ना करके किसी गरीब रिक्शा वाले को दे दें। तो ये चीज़ें ही तो आगे धीरे धीरे हमारी जनरेशन भी करेगी आने वाले टाइम में, तो बढ़ावा देगा तो देश का सुधार होगा इन चीज़ों में भी, कि इंसानियत आएगी बेसिकली। जो इंसानियत का एक पाठ हमें पढ़ाया जाता है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, दूसरे लोगों के लिए गलत वो नहीं रखना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। आज ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? बिल्कुल ज़रूरत है समाज को, नहीं मैं कहती हूँ दुनिया में अगर कुछ एक हिस्सा जुड़ा हुआ है तो पूरी दुनिया को जुड़ने की ज़रूरत है इस जगह से। क्यों? क्योंकि वो दुनिया आज की डेट में हमें दुनिया नहीं लगती। हम सड़क पे बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि मतलब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम जब मन में ख्याल आ जाता नहीं हमारा गुरु हमारे साथ है तो हम समुद्र में भी चल के चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, हमें तैर के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो समाज को सबको ज़रूरत है। तो मेरी भी एक खुद अपील है, डोंट थिंक कि पीपल आर इलिटरेट डैट्स वाई दे आर कमिंग हेयर, कम एंड सी द ट्रुथ हेयर, यू कैन मेक योर सेल्फ कि यहाँ जो हो रहा है हाँ वो ठीक हो रहा है। आप खुद आके देखो, आपको विश्वास अपने आप ही हो जाएगा, दूसरों की बातें सुनने की कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया तो भगवान से भी नाराज़ हो जाती है, उनको भी नहीं छोड़ती देखा जाए तो। जब उसको अपना कुछ स्वार्थ होता है तब जाके मंदिरों में चक्कर काट लेती है, लेकिन जब स्वार्थ नहीं होता तो वही। थैंक यू। ये थे वो सूत्र जो आपने किसी न्यूज़ चैनलों में नहीं देखे होंगे। ये डायरेक्ट बात हमने आपकी उन लोगों से करवाई है, उन लोगों का सच हम आपको दिखा रहे हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। आपने बहुत सारी न्यूज चैनलों पे हर जगह पर कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के दिमाग में। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों आज भी ये बाबा राम रीम जी के साथ जुड़े हैं और किस तरह से इनकी जिंदगी को चेंज किया है गुरु जी ने। सवाल आपके लिए, क्या जो समाज के लिए इतना काम गुरु जी ने किया है क्या वो सही है? क्या समाज को सुधारने का जो वीणा बाबा राम रीम जी ने आया हुआ है उसके लिए आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और ऐसी सच्ची बातें, वो सच्चाई देखने के लिए जो डेरा सच्चा सौदा की, जब बाबा राम रहीम जी की आपने कहीं और से नहीं देखी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए, धन्यवाद।